नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल नीति और आज हम आए हैं अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा में और यहां के वर्तमान विधायक हैं सुभाष राय। और क्या माहौल है यहां पे चुनाव को लेकर, आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार मिश्रा। तो अवधेश कुमार मिश्रा, ये बताइए कि क्या माहौल है यहां पे चुनाव को लेकर? चुनाव अभी यहाँ कोई माहौल वाहौल नहीं है, बाकी हमारे बड़े भाई शिव कुमार तिवारी जी हैं, बताएंगे आपको क्या करना कैसे है। तो आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये बताइए, महंगाई मुद्दा है कि महंगाई तो सबसे बड़ी मुद्दा है। चुनाव के लिए क्या सरकार को अमली जामा पहना रही है? चुनाव ही माहौल, सरकार तो कह रही है महंगाई है ही नहीं। महंगाई क्या है आज की डेट में? महंगाई नहीं है, मैं मान लिया महंगाई नहीं है। डीजल इतने ऊपर चला गया, 12 रुपए लीटर डीजल का दाम कम करके, इसके बाद क्या डीजल का दाम घटा या बढ़ा? नहीं। यूरिया की 50 किलो की बोरी 45 किलो की देकर वही रेट दे रहे हैं, क्यों? महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है तो है क्या? किसानों को पैसे भी दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं। अरे पैसे दे रहे हैं वो तो केवल भीख दे रहे हैं, पैसे दे के जो आदमी को तंग बना रहे हैं, आज वो पैसा दे के आदमी को तंग बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? देखिए बीजेपी की सरकार तो नहीं बननी चाहिए, सपा की बन सकती है, बसपा की बन सकता है। योगी जी में क्या कमियां रह गई हैं? योगी जी में कमी हो या सरकार में कमी या योगी जी में कमी, वही एक कमी सबने है, एक आदमी में नहीं कमी है, सबने कमी है। और भी कुछ लोग आइए उनसे बातें करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? संजय। ये बताइए क्या माहौल है, आप क्या करते हैं? कारोबार में आपको क्या फायदा हुआ कि नहीं? तो आना जाना लगा रहा था, आना जाना लगा रहा था। और बता दो, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी यहाँ बाहर के लोग कुछ भी जाने, पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना है उसमें अपने यादव ने निकाला था, उसके बाद सरकार गई चला गया। आज कोई भी आवे उसका फीता काट दे, वो कर दे, आज जला ये रोड कितना दिन का हो गया, कल केशव प्रसाद मौजा जी आए थे, उसका फीता काटे गए, इसका उद्घाटन करते गए, इस रोड का जिसके हम खड़े हैं। आप आइए और भी कुछ लोग हैं। ये आपका क्या नाम? बेरू। पंडित जी आप करते क्या? अच्छा, तो सब ये खिलाफ का महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई बहुत है और बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। ये संतोष कुमार। संतोष जी ये बताइए कौन जीत रहा है चुनाव, पहले तो बताइए आप क्या करते हैं? मेरी सर दुकान है यहाँ पर, कंप्यूटर वगैरह को दुकान दी। अच्छा, ये बताइए कि किसकी सरकार बन रही है? अब ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन लगता है बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। बीजेपी भैया तो भी कह रहे हैं कि सपा से बन रही है, जो जिसको चाहता उसको बनाएगा। अच्छा, तो आप बीजेपी की? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम लोग सपा बसपा के वोटर थे। अच्छा, लेकिन ये हमारे कहने से तो एक सरकार बन नहीं जाएगी। नहीं, ये बताइए कि बीजेपी सरकार की महंगाई तो बहुत बता रहे हैं। महंगाई तो रुकेगी भी नहीं सर, बेरोजगारी। नहीं, मोदी जी तो बोल रहे थे कि हम 2014 में आएंगे तो महंगाई एकदम काबू में कर लेंगे। कहने का तो बात सही है, लेकिन कभी तो कभी जमाना था जलेबी 1 रुपए में किलो मिलती थी, आज तो 1 रुपए में। तो इस साल के बाद कांग्रेस सरकार में भी महंगाई बढ़ी थी, अभी तो नहीं कोई महंगाई रुकी हुई, महंगाई तो बढ़ेगी। और यहाँ पे रोजगार सबको मिल रहा है? नहीं, सबको तो कोई सरकार नहीं दे सकती रोजगार। जितने 20 लाख दिए रोजगार जो है लड़के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 5 लाख 6 लाख बीएड कर रहे हैं, क्या हर कोई अध्यापक और रोजगार थोड़ी पा जाए? ऐसी तो है, कोई सरकार नहीं दे पाए। मैं सरकार की दोस्त, किसी सरकार की मैं दोस्त नहीं दूंगा। अखिलेश में क्या कमियां रह गई? जो कुछ कमियां थी तो जनता ने उनको उसका जो है परिणाम दिया था, हो सकता है आपकी बात बेहतर करें। शिक्षा क्या क्या व्यवस्था है? काम विदेश से करवा रहे हैं, विदेश से करवा रहे हैं, क्या आरोप आप लगा रहे हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुत जगह से सीटें निकली और हमारे अंबेडकर नगर से बसपा की सीट निकली। अब की बार हमारे सुभाष राय जी सपा से जीते थे, तो ईवीएम में दोष होता तो ये ऐसा तो नहीं होता। अगर ईवीएम मशीन अगर खराब होता या कुछ उसमें दिक्कतें होती तो क्या जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से निकालता बीजेपी? जो भी निकालता। अरे भैया, समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। जनता की आवाज़ थी,
इसके पहले पूर्व बहुमत से बसपा थी, फिर पूर्व बहुमत से सपा आई, सपा से भी लोग नाराज थे तो बाबा जी आ गए, हो सकता बाबा जी भी चले जाए, तो हम किसी नहीं को ये जनता की आवाज है। उस समय के हिसाब से परिवर्तन अब ये कह रहे हैं अगर ईवीएम में खराबी होती तो आम आदमी पार्टी क्यों जीत जाते थे? क्या नाम है भैया? विजय जी बताइए चुनाव कौन जीता? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीत रहे हैं। पुनः योगी जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये युवा और सभी किसान नौजवान एक साथ योगी जी को सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। आरोप तो सरकार पे काफी लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो विपक्ष हमेशा लगाता रहता है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन पुनः योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश यहाँ पे मुद्दा क्या है? नहीं चलेगा, खेल नीति जा रही है तभी आ जाए मुद्दा। तो 70 साल पहले से मैं देख रहा हूँ, जब से जन्म हुआ है यहाँ पर पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी के 5 विधायक थे और 3 मंत्री। 70 साल तक नहीं देते हैं, 70 साल नहीं, मतलब ये रोड जो सरकार मैंने देखा पिछली सरकार, और ये रोड जो है बना नहीं था, यहाँ पर जगदम्बा सिंह विधायक थे रियासत, तब ये रोड बना था, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है आदरणीय योगी जी ने मालीपुर रामगढ़ रोड बनाने काम किया है। सरकार से आरोप काफी है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई साथ साथ आज भी बढ़ रहा है, और महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने आज इतिहास में पहली बार आज तक सरकार ने बैट नहीं घटाया था, जब तेल का दाम घटा था तभी तेल का दाम घटा था, इतिहास में पहली बार सरकार ने अपने जो कर होता है उसको कर को घटा करके किसान को राहत देने का काम किया है। इतिहास में पहली बार तो तेल भी चला गया, आय के साथ साथ महंगाई बढ़ी है, आय के साथ साथ महंगाई बढ़ी है। तो मोदी जी तो बोल रहे थे 2014 में कि आएंगे तो महंगाई हम कम करेंगे, कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन तेल हमारे देश में नहीं होता है जी, ये बाहर देश से खरीदा जाता है, तब भी सरकार ने उस पर अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। 2014 से पहले मोदी जी को पता नहीं था विदेश तेल आता है? पता था उनको, लेकिन जो चीज महंगाई जिस हिसाब से खरीद कर, जैसे दुकानदार है ये मोबाइल 5,000 का खरीद के लाता है तो उसको 5,000 या 5,100-5,200 में बेचता है, तो इसलिए उस सरकार के अगर ये मोबाइल हमारे घर पे बनती तो मैं उसको 4,500-4,000 भी बेच सकता था, इसलिए बाहर से आता महंगा हो रहा है। और भी बात करते हैं, भैया का क्या नाम है? कृष्ण पांडे। भैया आप बताइए क्या करते हैं आप? बिजनेस है। तो बिजनेस में जीएसटी से कुछ फायदा नुकसान हुआ कि नहीं? फायदा है जीएसटी। जैसे कि पहले हम लोग को 5 पिन नंबर निकालने दीजिए कम से कम 50,000 रुपये लगता है, आज जीएसटी 2,500 से 3,000 में आप निकाल के सही तरीके से अपना काम कर सकते हैं, और अगर सही तरीके से जीएसटी को चला रहे हैं तो सरकार आपको किसी भी हद तक दे सकती है, लोन दे सकती है, आपका आय व्यय बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ टर्न ओवर ITR ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ सरकार से क्या मांगेंगे? जीएसटी का एक फायदा यह है कि हर आदमी जो चाहता है अपना ITR बना ले रहा है, अगर ITR नहीं है तो आप बैंक के पास नहीं जा सकते हैं, और अगर लोग बोलते हैं जीएसटी से नुकसान है तो चोर है तो बोल रहे हैं जीएसटी से नुकसान है, कपड़ा है वो भी GST लगेगी, आप एक खरीदें इससे भी आप GST दिए हैं, तो अगर जिस चीज़ का टैक्स नहीं दिए तो देश का विकास कहाँ से होगा? आपको क्या लगता है महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, महंगाई में कोई कसर नहीं है, महंगाई नहीं है, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, सरकार कोई भी आगे नहीं कर सकता है। यह 2004 में जब सरकार चली गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उससे पहले तो तेल का दाम 80 रुपये हो गया था, नमक भी महंगा हो गया, लोग बोले बहुत महंगा हो गया, उसके बाद जो सरकार आई तो वही तेल 150 रुपये बिकने लगा, आज तेल 200 रुपये बिक रहा है, तेल आप घटा नहीं सकते, ये तो नहीं सकता कोई भी सरकार आने की, वो बोलते हैं महंगाई घटा देंगे, एकदम केवल झूठ बोल रहे हैं, कोई भी कोई समय को अनुसार बढ़ना ही, मतलब ये जब मोदी बोलते थे कि हम महंगाई बढ़ाएंगे तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो 2014 का वर्तमान बोल रहे हैं। अच्छा, वर्तमान बोल रहे हैं वो 2000, आज 2022 और 21 चल रहा है, आज को वर्तमान से क्या बोल रहे हैं, जो भी नेता आएंगे आज के वर्तमान से बोलेंगे, और 5 साल बाद आप जब उनसे पूछेंगे तो 2020 और 2021 की बात करेंगे। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं 400+ सीटें जीतने वाले हैं। सर, अखिलेश यादव का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना कि जो सीटें जीत सकते हैं, हम अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं और उनके जैसा मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा शायद कोई आया हो, लेकिन वो अपने ही आप में एक चक्रव्यूह में बच गए जो निकल नहीं सकते, गुंडा राज उनको खा गया, वो एक व्यक्ति सही रहकर क्या करेंगे? अब क्या आपको लगता है कि योगी जी फिर से आ जाएंगे सत्ता? नहीं, ये तो और कोई विकल्प नहीं, विकल्प कोई नहीं है जनता के, आप बताइए किसका विकल्प? नहीं, हमारा काम विकल्प बताना नहीं है अभी, हम बता रहे हैं विकल्प नहीं है,
अखिलेश यादव जिस पार्टी से गठबंधन किया वो पार्टी मुख्तार अंसारी पास से लगी। ओम प्रकाश राजभर कहने से कुछ फायदा नुकसान होगा कि नहीं? और नुकसान, और नुकसान, नुकसान नुकसान इस प्रकार से है, उनको मुख्तार अंसारी पास नहीं जाना चाहिए था जी। अब जितने हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं, आप उन्हीं के पास जाके वोट मांगेंगे तो आपको फायदा कहाँ होगा? आप तो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं ना अखिलेश यादव जी, जो उनकी छवि बनी वो भी खराब कर रहे हैं। यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है विपक्ष पे भी, और कुछ लोग सत्ता पक्ष भी लगा रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। इसका है तो प्रशांत मिश्रा जी, आप क्या करते हैं? इसमें एमए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, एमए पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं आप? माँ फूलपति देवी पीजी कॉलेज जीतपुर। अच्छा, जीतपुर अम्बेडकर। तो आपके यहाँ रोज क्लास चलता है? जी चलता है, पढ़ाई रोज हो रही है? पढ़ाई रोज हो रही है। यहाँ पे जितने भी पीजी कॉलेज पे आरोप लगते हैं कि क्लास रोज चलता नहीं, प्राइवेट ऐसी प्राइवेट कॉलेज में बच्चे खुद नहीं पढ़ने जाते तो किसी को आरोप क्यों लगाएंगे? अच्छा, हम आप एडमिशन करा के आप पढ़ने खुद नहीं जाएंगे तो आरोप क्यों लगाएंगे? हर सरकार पे आरोप लगते हैं, सरकार की क्या प्रॉब्लम? तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम पढ़ने खुद नहीं जा रहे, कहते हैं कॉलेज नहीं चलता, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार को हार रही है बीजेपी सरकार, है बीजेपी सरकार। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? बीजेपी सरकार में अनेकों प्रकार की त्रुटियाँ आ रही, जैसे गुंडा राज ना भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं, गुंडा राज हर एक मामले में कम हो गया है, आज हर चीज़ों पर अंकुश लगा हुआ है गुंडई के राज में, और हर जगह सपा सरकार थी, अनेकों प्रकार के दंगे होते थे, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ सरकार जनता को होती थी, लेकिन आज बीजेपी सरकार में जनता भी गुंडा राज से तो मुक्त हुई। अभी बताया जा रहा है कि आरोप ये लग रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है कि सरकार वैकेंसी में पारदर्शिता ला नहीं रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हर सरकार हर विपक्ष पक्ष पे हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है, आज बीजेपी सरकार है वो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है सरकार। अभी कुछ दिन पहले यूपी टेस्ट का पेपर भी चलते हैं, सरकार की क्या प्रॉब्लम है? सरकार सरकार की सरकार ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है, पेपर जो लीक हुए उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो ये बताइए, वैकेंसियां क्लियर नहीं हो रही है और बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी है, लेकिन हर सरकार में बेरोजगारी होती रहती है, सपा की सरकार में लोग अनेक प्रकार के, आजकल लोग आत्मनिर्भर की तरफ ज्यादा बढ़ गए हैं। आप कोई ना कोई व्यवसाय कर रहा है? आप सरकारी नौकरी करेंगे या प्राइवेट? नहीं, हम व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय करेंगे, आप भी आत्मनिर्भर रहेंगे। जी जी जी। तो ये भैया है जो अभी पीजी कर रहे हैं ना, पीजी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं पीजी? ज्योग्राफी से कर रहे हैं। ज्योग्राफी, तो यहाँ का एक पास में एक डिग्री कॉलेज है वहाँ से, और ये व्यवसाय करेंगे। और आप देख रहे थे खेल नीति, कैमरे के पीछे श्याम, मैं नीरज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।